नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में 7 में से 6 आरोपी दोषी करार। जाने माने फिल्म अभिनेता और लेखक गिरीश कर्नाड का बेंगलुरु में निधन। देश के उत्तरी और मध्य क्षेत्र में भीषण गर्मी जारी। और खेलों में आईसीसी क्रिकेट विश्वकप में साउथहम्पटन में आज दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला वेस्टइंडीज से और भुवनेश्वर में एफआईएच फाइनल सीरीज हॉकी टूर्नामेंट में भारत तीसरे और अंतिम ग्रुप मैच में आज उज्बेकिस्तान से खेलेगा। दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। पठानकोट के जिला और सत्र न्यायालय ने आज कठुआ में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में 6 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। 7वें अभियुक्त को बरी कर दिया गया है। इन लोगों को आज बाद में सजा सुनाई जाएगी। बंद कमरे में हुई इस मामले की सुनवाई 3 जून को पूरी हुई थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 8 साल की बच्ची जिसका पिछले वर्ष 10 जनवरी को अपहरण करके कथित रूप से कठुआ जिले के रसाना गांव में बंधक बनाकर बलात्कार किया गया था और 4 दिनों तक इस बच्ची को बेहोशी की हालत में कैद में रखकर फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई थी, सर्वोच्च अदालत द्वारा इस मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर चलाए जाने का आदेश दिए जाने के उपरांत गत वर्ष जून महीने के पहले सप्ताह इस मामले की सुनवाई पड़ोसी राज्य पंजाब में पठानकोट के जिला एवं सत्र न्यायालय में शुरू हुई थी। इस दौरान कठुआ जिले के रसाना गांव में हालात सामान्य है। हालांकि प्रशासन ने बलात्कार एवं हत्या के इस मामले में फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर कानून व्यवस्था की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध पहले ही कर रखे थे। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रैना। दोषियों में 2 ग्रामीण और 4 पुलिसकर्मी हैं। 2 पुलिसकर्मियों पर आरोप था कि उन्होंने महत्वपूर्ण सबूत मिटाने के लिए मुख्य अभियुक्त से 4 लाख रूपये की रिश्वत ली थी। झारखंड के डिग्गी सामूहिक दुष्कर्म मामले में दुमका की एक अदालत ने 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 20,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। ये घटना 6 सितंबर 2017 को दुमका जिले के डिग्गी में हुई थी। घटना के 2 दिन बाद ही 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें से 11 को आज दोषी पाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों से मिलेंगे। बैठक के दौरान शासन के एजेंडे पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री प्रशासन में सचिवों की सक्रिय भूमिका पर भी बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक 30 मिनट से ज्यादा चली। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को राज्य की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। इससे पहले श्री त्रिपाठी ने गृहमंत्री अमित शाह से मिलकर उन्हें स्थिति से अवगत कराया था। राज्य के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके में चुनाव के बाद हुई हिंसा से उत्पन्न स्थिति पर विचार के लिए ये बैठकें हुई हैं। वहां शनिवार शाम को हिंसक घटनाओं में कई लोग मारे गए थे। राज्यपाल ने कल जारी वक्तव्य में इस पर चिंता व्यक्त की थी। गृह मंत्रालय ने भी परामर्श जारी कर इस बारे में गहरी चिंता जताई है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के 25 सदस्यों के मंत्रिमंडल के शनिवार को शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट बैठक इस समय चल रही है। मुख्यमंत्री रेड्डी की अध्यक्षता में अमरावती के राज्य सचिवालय में आज सवेरे ये बैठक शुरू हुई। मंत्रीगण सचिवालय में ही अहम फैसले लेते हैं। बैठक का मुख्य एजेंडा नवरत्नालू योजना लागू करने पर विचार करना है। मंत्रिमंडल कुल 8 मुद्दों पर चर्चा करेगा, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन 2000 रूपये से बढ़ाकर 2250 रूपये करने को मंजूरी देना है। आशा कार्यकर्ताओं का वेतन 3000 रूपये से बढ़ाकर 10000 रूपये करने की मंजूरी देने पर भी विचार किया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन के सरकार में विलय पर भी चर्चा होगी। पालिका सफाई कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और राज्य सरकार के कर्मचारियों को 27% अंतरिम राहत देने के मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। रायतू बंधु योजना, होम गार्ड्स की वेतन वृद्धि और अंशदायी पेंशन योजना पर भी मुख्य रूप से चर्चा होने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व तंबाकू
खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। तंबाकू सिर्फ पुरुषों की समस्या नहीं, रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। हाथों का दो छुरी भेज दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-1123-56 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 0112-209-01701 पर। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जाने माने फिल्म और रंगमंच अभिनेता और लेखक गिरीश कर्नाड का आज सुबह बेंगलुरु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। 1961 में प्रकाशित नाटक ययाति से चर्चा में आए कर्नाड को फिल्म और रंगमंच अभिनेता और निर्देशक और एक लेखक के रूप में अपार ख्याति मिली। उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, कालिदास सम्मान, पद्मश्री और पद्मभूषण जैसे सम्मानों से नवाजा गया। आकाशवाणी समाचार की एक श्रद्धांजलि। कला और सिनेमा जगत के जाने माने हस्ती गिरीश कर्नाड अब नहीं रहे, मगर कला जगत में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। युवा अनंत मूर्ति की कथा पर आधारित संस्कारा से अभिनय और स्क्रीन राइटिंग का काम आरंभ किए उन्होंने। मालगुडी डेज और टाइगर जिंदा है तक उनका काम हमेशा प्रेक्षकों को लुभाता आया है। उनके जाने माने नाटक जैसे नागमंडला, ययाति, हयवदना, तुगलक और सिनेमा जैसे वंशवृक्ष, तब्बली नीनादे मगने, वंदानंदु कालदल्ली, कुवेंपु लिखित कानूरु हेग्गडती और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित काडू ने सिनेमा जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दिवंगत कलाकार के सम्मान में राज्य सरकार ने 3 दिन का शोक और 1 दिन की छुट्टी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बताया है कि सभी सरकारी सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गिरीश कर्नाड के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सहित कई प्रमुख लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पूर्व नागर विमानन मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल आज नई दिल्ली में एयर इंडिया विमान खरीद मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। उनके बयान को धन शोधन अधिनियम के तहत दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में आज रेल दुर्घटना में 4 यात्री मारे गए और 6 घायल हो गए। दुर्घटना उस समय हुई जब बांद्रा जाने वाली अवध एक्सप्रेस बलरई स्टेशन पर रुकी हुई थी। यात्री उतरकर पटरी पर खड़े थे, तभी सामने से राजधानी एक्सप्रेस आ गई। घायलों को सैफई और टूंडला के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों से घायलों के लिए बेहतर उपचार उपलब्ध कराने को कहा है। झारखंड के हजारीबाग जिले में आज तड़के 3 बजे हुई सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। 24 अन्य लोग घायल हुए हैं। ये दुर्घटना जिले के चौपारण थाना अंतर्गत दनुआ घाटी में जीटी रोड पर हुई। घायलों को चौपारण के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। असम में कामरूप जिले के समरिया इलाके में एक सांस्कृतिक ग्रुप को निर्वस्त्र नाचने पर मजबूर करने के आरोप में 5 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। ये घटना हाल में ईद समारोह के दौरान हुई थी। सांस्कृतिक ग्रुप में 40 से ज्यादा नर्तक थे, जिनमें महिलाएं भी थीं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। देश के उत्तरी और मध्यवर्ती इलाकों में भीषण गर्मी जारी है। राजस्थान में भयंकर गर्मी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के अधिकांश इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। सरकार ने तेज गर्मी को देखते हुए मनरेगा श्रमिकों का कार्य समय सवेरे 6 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक कर दिया है। राज्य में जलदाय विभाग और विद्युत विभाग के कर्मचारियों के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। सीमा पर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच लगातार मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे BSF के जवानों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मौसम विभाग ने अरब सागर से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से आगामी 1-2 दिन में राज्य में लू और तेज गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई है। सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से अभी कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लोगों को
बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झांसी, उरई और हमीरपुर का तापमान 45 डिग्री को पहले ही पार कर गया है, जो सामान्य से 4 डिग्री ऊपर है। ऊंचे तापमान ने यहां पानी की समस्या को और गंभीर कर दिया है। लोगों को काफी दूर स्थानों से पानी लाना पड़ रहा है। लोग गर्मी से बचने के लिए अपने अपने तरह से उपाय करते दिख रहे हैं। आम का पना, लस्सी और कोल्ड ड्रिंक की दुकानों पर काफी भीड़ देखी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुल्तान सिंह यादव। भोपाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के कई हिस्से भीषण लू की चपेट में हैं। मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाके भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। हालांकि कई स्थानों पर हुई बारिश ने गर्मी से कुछ देर तो राहत दी, लेकिन आंधी बारिश के कारण उखड़े पेड़ों और बिजली की क्षतिग्रस्त लाइनों ने आम लोगों की तकलीफ और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 44 से 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी जारी की है। खजुराहो और नौगांव में कल अधिकतम तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं राजधानी भोपाल में 45.7 डिग्री और ग्वालियर में 47.3 डिग्री तापमान ने लोगों को दिन भर बेहाल रखा और कमोबेश यही स्थिति आज भी बनी हुई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में भी तापमान सामान्य से अधिक है। एक रिपोर्ट। देश के उत्तरी राज्यों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के निचले जिलों में भी लोगों को इन दिनों भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राज्य के पर्यटन स्थलों कुफरी, मनाली, डलहौजी और खजियार में मौसम सुहाना बना हुआ है और देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां का रुख कर रहे हैं। राजधानी शिमला और मनाली में पर्यटकों की आमद बढ़ने से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को भी ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने 11 और 12 जून को राज्य के निचले व मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तरी और मध्यवर्ती हिस्सों में इस सप्ताह भी भीषण गर्मी बनी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले दो दिन में भीषण गर्मी पड़ सकती है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज साउथहैम्पटन में दिन में 3 बजे दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। एक रिपोर्ट। कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के चोटिल होने, बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन और लगातार 3 हार से आहत दक्षिण अफ्रीका को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक और कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। दक्षिण अफ्रीका अपनी पहली जीत की तलाश में जुटा है। पहले 3 मैचों में इंग्लैंड, बांग्लादेश और भारत से हार के बाद फाफ डू प्लेसी की अगुवाई वाली टीम के आगे की राह कांटों भरी हो गई है। अगर उसे सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो बाकी बचे 6 मैचों में उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी के अगुवा डेल स्टेन चोटिल होने के कारण विश्व कप से बाहर हो चुके हैं। एक और गेंदबाज लुंगी एंग्रीस भी अनफिट हैं और उनका खेलना संदिग्ध है। ऐसे में स्टेन की जगह टीम में लिए गए ब्यूरॉन हेंड्रिक्स गेंदबाजी आक्रमण को धार प्रदान करने के लिए अंतिम 11 में जगह बना सकते हैं। जहां तक वेस्टइंडीज का सवाल है तो उसने पहले 2 मैचों में अपने पुराने दिनों की याद ताजा की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके बल्लेबाजों का शॉट चयन अच्छा नहीं था, जो कि आखिर में उसकी हार का कारण बना। केगिस और रबाडा जैसे गेंदबाज के सामने उसके बल्लेबाजों को ऐसी किसी भी गलती से बचना होगा। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने अभी तक अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है और अब टीम उनसे बल्लेबाजी में अपनी ख्याति के अनुरूप ताबड़तोड़ रन बनाने की उम्मीद करेगी। सदाबहार क्रिस गेल और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शाई होप पर फिर से बल्लेबाजी का दारोमदार होगा। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल 2:30 बजे से डीटीएच हिंदी पर उपलब्ध रहेगा। युवराज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उनके करियर में कई उतार चढ़ाव आए। 2011 में विश्व कप टूर्नामेंट में भारत की जीत में युवराज मैन ऑफ द मैच रहे थे। भुवनेश्वर में FIH फाइनल सीरीज हॉकी टूर्नामेंट में भारत तीसरे और अंतिम ग्रुप मैच में आज उज्बेकिस्तान से खेलेगा। एक अन्य मैच में दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको की टीम आमने सामने होंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है रक्तदान महादान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में 7 में से 6 आरोपी दोषी करार। जाने माने फिल्म अभिनेता और लेखक गिरीश कर्नाड का बेंगलुरु में निधन। देश के उत्तरी और मध्य क्षेत्र में भीषण गर्मी जारी और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में साउथहैम्पटन में आज दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला वेस्टइंडीज से और भुवनेश्वर में FIH फाइनल सीरीज हॉकी टूर्नामेंट में भारत तीसरे और अंतिम ग्रुप मैच में उज्बेकिस्तान से खेलेगा। इसके साथ ही
दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।